नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महिला द्वारा मुकदमा दर्ज कराने से नाराज दबंगों ने दोबारा महिला के साथ गाली गलौज तथा मारपीट करने की कोशिश। जी आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात तहसील भोगनीपुर क्षेत्र के बिरमा गांव का है, जहां 3 मार्च को कुछ दबंगों द्वारा पीड़ित महिला के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई थी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके चलते हुए महिला ने भोगनीपुर थाने में दबंगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस द्वारा दबंगों की गिरफ्तारी न होने के चलते दबंगों ने दोबारा महिला के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की कोशिश की, जिसको लेकर आज महिला अपने पति को लेकर दोबारा भोगनीपुर थाने पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने पीड़ित महिला की समस्या को देखते हुए हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि दबंगों द्वारा लगातार गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित महिला द्वारा आज कोतवाली भोगनीपुर में दबंगों के खिलाफ दोबारा प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? आरती देवी। कहाँ रहने वाली? बिरमा के। अच्छा, किस बात को लेकर भोगनीपुर थाने आई हुई हैं? झगड़ा हुआ था सर। किस तारीख को? 3 तारीख को। तो उसमें क्या पुलिस ने कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने कार्रवाई किया, हम एप्लीकेशन लिखाए थे थाने में और वो लोग दरोगा जी गए थे ना, तो उन लोगों को भी वो लोग दाव धमकी दे रहे थे। तो किस तरीके से मारपीट की गई थी आपके साथ? लाठी डंडा से सर, भी मेरा सर भी फाड़ दिया था ना, घर में घुस के अंदर मारा मुझे। तो क्या आपको मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है? जी। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद दबंगों की गिरफ्तारी पुलिस ने क्यों नहीं की अभी तक? हाँ, करी नहीं हमने। तो गिरफ्तारी नहीं हुई है? ना ना ना। आज आप दोबारा क्यों आई हैं? हम लोगों को फिर भी दोबारा धमकी देने से लिए कहते थे, तुम लोगों को जान से मार देंगे। आज कह रहे थे? हाँ, आज कर रहे। क्या नाम है उन लोगों का? उन लोगों का एक का नाम बीपी है, विनोद, फिर ना बीपी आए, विनोद आए और राजू है, प्रमोद है। तो आपने ये आपने दोबारा बताया है आके कि ये लोग हमें धमकी दे रहे हैं? हाँ हाँ सर। पुलिस ने अब क्या बोला है कार्रवाई के लिए? कह रहे आप कार्रवाई करी जाएगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की रिपोर्ट।